50 किलो वाला एयर से चलने वाला ग्रीस गन है, और उसके पीछे ये छोटा वाला 25 किलो वाला है। ये दोनों आपको अनबॉक्सिंग करके बता रहे हैं, ठीक है। ये अपना भरत भाई के लिए अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जो कि गोधरा से आए हैं, ठीक है। भरत भाई कहाँ से हो? गोधरा से आए, ग्रीस गन वगैरह लेना है, सामान लेना है। 50 किलो का ग्रीस गन इनको ओपन करके दिखा रहे हैं। उमर इसको खोल, ओपन कर, इनको एसेसरीज वगैरह बता सर, इसमें क्या क्या साथ में आता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 50 किलो वाला एयर से चलने वाला ग्रीस बकेट, इसको बोलते हैं प्न्यूमेटिक एयर ग्रीस गन। असल में दो बिल्कुल अच्छा वाला कंपनी आएगा, एरो प्लस का आएगा। रेगुलर मेरा जो भी आता है यही आता है। आप मेरा ग्रीस गन का वीडियो देखोगा ना, यही कंपनी का दिखेगा आपको, एरो प्लस का ही दिखेगा, जो पहले से मैं काफ़ी टाइम से 5-6 साल से यही यूज़ करता हूँ। ये कंपनी चलने लगा था, दूसरे ले जाएंगे। ठीक है ठीक है, भरत भाई ऐसे बोल रहे हैं कि अभी ये कंप्लीट चलेगा तो दूसरा भी इनकी गैरेज के लिए यूज़ करेंगे। देखिए इनका अंदर का दिखा दूँ आपको, पतरा देखिए काफ़ी हैवी आएगा। भरत भाई देखो ये काफ़ी हैवी आएगा, ठीक है। पतरा देखो ये, ठीक है, ये इसका गन आएगा। गन निकालो आप, बताओ यहाँ, बताओ वीडियो में। ये देखिए इसका गन आएगा और इनके हाथ में इसका पाइप आएगा, ठीक है। ग्रीस गन का गन है और ये पाइप आएगा। अभी ये भी देखिए बॉक्स ओपन करके मैं बता दूँ, चलाने का वो भी बता देता हूँ। भरत भाई आपको मैं चलाने का भी बताता हूँ। मोहम्मद भाई जरा तुम आ जाओ ना, इनको चलाते बता दो कैसे इनका पाइप का कनेक्शन देना है, इनके लिए भी बता दो, और अपने जो काफ़ी वीडियो वगैरह देखते हैं कस्टमर उनके लिए भी बता दो, ताकि दोनों को ये वीडियो में समझ में आ जाए ग्रीस गन कैसे यूज़ करना है। देखिए ये अनबॉक्सिंग हो गया, 50 kg एयर ग्रीस बकेट, एयर से चलने वाला, एरोप्लस कंपनी का, मेड इन इंडिया है, ठीक है, कोयम्बतूर बनता है, ठीक है, मेड इन इंडिया है। भरत भाई इंडिया की बनावट है। इसका पाइप वगैरह जो भी है, इसका बकेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर का, मोहम्मद भाई दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी हैवी आएगा, मिक्स करके इसके अंदर ग्रीस रखने का, ऑयल और ग्रीस मिक्स करके भरने का। हाँ ऑयल तुम 20W40 डालो, इंजन ऑयल, ठीक है। 1 किलो ग्रीस गन में, 1 किलो ग्रीस में 100 ग्राम ऑयल डालने का। 1 किलो ग्रीस डालो तो उसमें 100 ग्राम ऑयल। इसमें कितना ग्रीस डाल दो? तुम इसमें 50 किलो भर सकते हो। हाँ 50 किलो कैपेसिटी है इसका, आप इसमें 50 किलो भर सकते हो, 50 किलो इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब 50 किलो भरते हो तो 5 लीटर ऑयल डालने का, ठीक है। 1 किलो ग्रीस में 100 ग्राम ऑयल हो तुमको मैं बिल में लिख दूंगा, ठीक है भाई। और ये गन है और इसका कनेक्शन देखिए डायरेक्ट पुश वाला आएगा, देख लीजिए ये आटे डायरेक्ट चढ़ जाएंगे, ये आटे डायरेक्ट पकड़ से टाइट कर देने का पाने से, ठीक है। एयर टेफ्लोन मार के करना हो टेफ्लोन मार के, सेम यहाँ पे भी ऐसा चढ़ा देने का। हाँ और ये डंडा भी इसका काफी हैवी आएगा, यहाँ पे एयर का लगेगा, ये एयर का लगेगा, एयर का पाइप लगेगा, ठीक है। एयर का पैसा कितना करना पड़ेगा? एयर तो ऐसे 100-150 पे तुम्हारा ग्रीस गन चल जाएगा। 500 का टैंकर लेके आओ, हाँ उस पर 100% चल जाएगा, 100% चल जाएगा। दूसरा मशीन लेना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं पड़ेगा भाई, नहीं नहीं। आप जो मेरे से कंप्रेसर आप जो जो कंप्रेसर ले गए थे ना आप, वो कंप्रेसर पे ग्रीस गन चल जाएगा। एक और सामान दूसरे में बोले, एक दूसरा पूरा ऐसा मशीन से रखा ले जाना। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भरत भाई अपने से पहले भी कंप्रेसर वगैरह ले गए, अभी ग्रीस गन और छोटा थोड़ा सामान लेना आए हुए तो सब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ग्रीस गन जल जाएगा, ठीक है ठीक है। एयर से चलने वाला 50 किलो वाला ग्रीस गन है, इसमें छोटा 25 किलो आता है, दोनों दो मॉडल आते हैं, ठीक है, 25 किलो और 50 किलो, ठीक है। भरत भाई ओके कंप्लीट, बढ़िया लगा, क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। ये अपना शॉप है रॉयल मशीनरी अहमदाबाद गुजरात, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9173703966। जो भी आपको गैरेज का सामान लेना हो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रॉयल मशीनरी अहमदाबाद गुजरात।